लश्कर साहब आज का पुरमन एहतजाजी मुजाहरा यासीन मलिक की रिहाई के लिए है और मैं तमाम हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस ये जो हमारे बुजुर्ग हजरात इस आज के इजलास में शरीक हुए और यकीनन ये सब के जज्बात ये तो कह रहे होंगे कि आज भी हमारे पास अगर आजाद नहीं होती मकबूजा कश्मीर आज खुद मुख्तियार कहता तो यकीनन ये आज हम कुछ इस तहरीक को इस तरीके मनाते जिसका वो हक होता। मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि यासीन मलिक जैसे लीडर जो उस धरती में पैदा हुए मगर ये सदियों में कभी कभार ये लीडर पैदा होते हैं, ये लीडर आज तक ना लीडर पैदा होंगे ऐसे। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जेल में गुजारी, 11 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, यासीन मलिक की शादी को 11 साल हो चुके हैं। 60 दिन उन्होंने अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ गुजारे और बाकी जितना भी अरसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा वो आज़ादी तहरीक की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी जेलों में गुजारी और मैं उनकी जुरात को मैं राज अकीदत पेश करता हूँ, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी, हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। आज के दिन की मुनासबत से मैं अपनी आवाम और अहलियाने कश्मीर की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि आज यासीन मलिक के साथ जो आज जो उसके हक में जो फैसला आना है, जो सुनने में आ रहा है कि हिंदुस्तान की वो डरपोक गवर्नमेंट जो यासीन मलिक को आज सजाए मौत या फांसी की या कोई और सज़ा सुनाने वाली है, हम ये चाह रहे हैं, आज ये आवाम ये चाह रही है, कश्मीरी आवाम चाहती है कि कश्मीर के उस हीरो को, कश्मीर के उस सपूत को रिहा किया जाए और हिंदुस्तान अपने इन नापाक इरादों से बाज आए कि क्यों किसी की गैरत को ललकार रहे हो। आज कश्मीरी बेदार हैं और देख रही है पूरी दुनिया कि हिंदुस्तान जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है वो इससे बाज आए। और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी मुतालबा करूंगा, आज यहाँ पे ये जो आवाम खड़ी है इन सब का ये एक मुतालबा है कि यासीन मलिक के रिहाई के बारे में बात की जाए। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, मैं मोदबाना गुजारिश करूँगा कि आप यासीन मलिक की रिहाई के बारे में बात करें। आज जो इस टाइम हालात जो चल रहे हैं, यासीन मलिक के बारे में क्या चल रहा है, खुदारा यासीन मलिक की गैरत को, यासीन मलिक बल्कि नहीं पूरी कश्मीरियों की गैरत को ललकारा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह यासीन मलिक रिहा होगा और इंशाल्लाह रिहा होगा, इंशाल्लाह। यासीन मलिक कश्मीर का हीरो है, यासीन मलिक ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसने कोई ऐसा कोई पैगाम नहीं लिया। यासीन मलिक क्या चाहता है, वो सिर्फ आज़ादी चाहता है। यासीन मलिक क्या चाहता है, आज़ादी। ये नौजवानों ने जो आज आवाज़ उठाई यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं है भाई, जागो। आज यासीन मलिक को अगर वहाँ पे वो सजा दे रहे हैं, कल आप लोगों में से किसी एक को भी उठाएंगे वो लोग, अरे कौन बोलेगा तुम मुसलमानों के हक में। आज इंसानियत रो रही है, आज इंसानियत रो रही है, खुदारा इंसानियत पे तरस खाओ और यासीन मलिक को रिहा करो। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। वमा अलैहि इल्ला बलागुल मुबीन।